नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सैम्स फ्लावर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ड्राई मसाला। अगर आपके घर में कोई पार्टी है या मेहमान आने वाला है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स गेट स्टार्टेड। चिकन ड्राई मसाला बनाने के लिए चिकन को उबाल लेंगे। एक बर्तन को मीडियम फ्लेम में गर्म करें। तेल 2 बड़े चम्मच, चिकन 500 ग्राम। चिकन को पानी में अच्छे से 3 से 4 बार धो लिया है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक 1 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लें। अब डालते हैं पानी करीबन 800 ml। चिकन को बॉईल होते ही छलनी से छान के रख लें। ढककर 10 से 12 मिनट धीमी आंच में पकने दें। जब तक चिकन पक रहा है, सूखा मसाला पाउडर तैयार कर लेते हैं। एक पैन में साबुत धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, तिल 1 चम्मच, खसखस 1/2 चम्मच, लौंग 8, काली मिर्च 8, दालचीनी 1 इंच 3 टुकड़े। हल्का सा रंग और खुशबू आने तक रोस्ट कर लें। गैस को मीडियम फ्लेम में रखिए। जैसे ही थोड़ा रंग बदल जाए, डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च 2। थोड़ा और रोस्ट कर लेते हैं। यह हमारा मसाला भुन चुका है। भुने हुए मसालों को ठंडा होने के लिए रख दें। एक मिक्सी जार में भुने हुए मसाला डाल के बारीक पीस लें। जैसे ही आप मिक्सी का ढक्कन निकालेंगे, सारे मसालों का महक आने लगेगा। ये मसालों का पाउडर बनके तैयार है। एक पैन को गरम करें। गैस को लो हीट में रखिए। घी 3 बड़े चम्मच या आपके श्रद्धा के अनुसार। बारीक किया हुआ मसालों का पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक 1/2 चम्मच, क्योंकि चिकन को उबालते वक्त भी नमक डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लें। अब बारी है बॉईल किया हुआ चिकन जो छान लिया था, बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया। गैस को मीडियम फ्लेम में रखिए। मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिला लीजिए। नींबू का रस, इससे टेस्ट और भी अच्छा आता है। ये रेडी है क्विक स्टार्टर चिकन ड्राई मसाला, जो आप कोई भी पार्टीज में आसानी से बना सकते हैं। एक बार इसे बना के खाइए, सब आपके तारीफ पे तारीफ करने लगेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सैम्स फ्लावर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।